गुरु कबीर साहब का मौलिक चिंतन, गड़बड़ी का जो मूल कारण है वहां कबीर की दृष्टि है। कबीर देव ने यह किया था कि जब तक आदमी की चेतना नहीं जग जाएगी, क्योंकि आपने देखा है जो बीजक दर्शन पढ़ते होंगे, एक कड़ी आई है, भाई बहनों करहु विचार जे सब दुख जाई। अब विचार कौन करेगा? कोई आदमी कहे कि ठीक से देखो, तो ठीक से कौन देखेगा? जो सूरदास है, ठीक से देखेगा कौन? जिसको मोतियाबिंद हो गया है। ठीक से देखेगा वही जिसकी आंखें देखने के लिए दुरुस्त है। विचार वही करेगा जिसकी चेतना सजग है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी भाई बहनों के ऊपर कबीर देव दे रहे हैं कि करहु विचार जे सब दुख जाई। जितने सारे दुखों से हमारा जीवन घिरा हुआ है, उस पर सभी लोग विचार करो। शरीर में रोग क्यों है? विचार करो। आर्थिक दुर्बल क्यों है? विचार करो। व्यक्तिगत जीवन में अशांति क्यों है? विचार करो। क्योंकि रोग हमको पसंद नहीं है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप लोग, बात अब विराम की ओर है। सतगुरु कबीरदेव तो केवल हम आप लोगों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वही जिम्मेदारी की बात मैं भी कह रहा हूं, उसी जिम्मेदारी का पालन स्वयं करता हूं, जो पालन करता हूं वही आपसे बता रहा हूं। मैंने कहा कि शरीर में रोग किसी को पसंद है क्या? आप खुदा को मानो, ईश्वर को मानो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चोटी रखो चोटी नहीं रखो, गौ को माता कहो, गौ को अपना भोजन आहार बनाओ, जो भी व्यवहार करते हो, जिस सकल सूरत में रहते हो, जिस वेशभूषा में रहते हो, जिन मान्यताओं में रहते हो, जिस साहित्य को, जिस संप्रदाय में दीक्षित हो, आपके हृदय की मांग क्या है? मांग सबकी एक है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई बहन हो, रोग पसंद करते हैं क्या? सबके हृदय की मांग है कि हम निरोग जीवन जिए, निरोगी जीवन हमारा हो। और कोई चाहता है कि हम दरिद्र होकर के जिए, अभावग्रस्त जीवन जिए। सबके हृदय की मांग है कि हमारा जीवन समृद्ध हो, धन संपदा संपन्न हो। कोई आदमी ऐसा भी है जो समाज में अपमान चाहता हो, अपमान जनक कर्म करके भी आदमी के हृदय की मांग है कि हमको सब कोई सम्मान देते रहे। रावण की तरह कर्म करने वाला आदमी भी सोचता है कि हमको समाज में राम ही समझे तो ज्यादा अच्छा है। असाधु का जीवन जीता है लेकिन चाहता है कि हमको साधु की मान्यता दे लो, कि सम्मान सबको प्रिय है। अब यही तीन बिंदुओं पर चर्चा करें कि हमारे जीवन की मांग है स्वास्थ्य, हमारे जीवन की मांग है समृद्धि, और हमारे जीवन की मांग है सम्मान। बावजूद हम रोगी जीवन जी रहे हैं, असम्मानित जीवन जी रहे हैं, और अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। कबीरदेव कहते हैं कि भाई बहनों सोचो कि रोग का कारण क्या है, अभावग्रस्त जीवन जीते हो कारण क्या है, समाज में असम्मानित जीवन जी रहे हो कारण क्या है, करो विचार। हम निरोग होना चाहते हैं, रोग पसंद नहीं करते हैं, रोग आ गया कारण? रोग कोई भगवान दे दिया क्या? रोग की कहीं फैक्ट्री है क्या? कहोगे तो रोग लग गया, कैसे आ गया? ऊपर वाले की यही मई। बड़ा सस्ता उत्तर है, रोग क्यों आया तो ऊपर वाला। अरे क्या बला है ऊपर वाला भाई, कहां से सीख लिया ऊपर वाला? ऊपर वाला एक बात गौर करो आप लोग, हमारे जीवन की जो बुनियादी कमजोरी है, दो दस्तावेज हमारे सिर पर हैं। एक नया शब्द जा रहा है इधर से, दो दस्तावेजों के नीचे हमारी चेतना, हमारी सारे क्रियाकलाप दबे हुए हैं। वो दो दस्तावेज क्या है? एक है भगवानवाद का दस्तावेज और दूसरा है भाग्यवाद का दस्तावेज। कुछ हुआ तो कैसे हो गया? ऊपर वाले की मर्जी। कुछ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? तो भाग में यही लिखा हुआ था। बड़ा सस्ता उत्तर है। सदगुरु कबीर कहते हैं दोनों दस्तावेजों को फेंक दो, तुमको यह अपाहिज बना दिया है, तुमको यह कर्महीन बना दिया है, तुमको परावलंबी बना दिया है, प्रमुखापेक्षी बना दिया है, पराधारित बना दिया है, स्वावलंबी बनो।
भागवाद और भगवानवाद के दस्तावेज को नीचे कर दो। हर भाई बहन अपन जीवन में पुरुषार्थवाद का दस्तावेज लाओ। इसे कबीरदेव ने कहा कि करहु विचार जे सब दुख जाई। हम विचार करें कि नहीं चाहते हुए दुख हमारे पास क्यों है, रोग शरीर में क्यों है, नहीं चाहते हुए भी हम अभावग्रस्त जीवन क्यों जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, नहीं चाहते हुए हम असम्मानित जीवन क्यों जीते हैं। शांति सूक्ष्मतम मांग है, उसके बाद एक सेकंड की बात है। बाद में जो मोटी तीन मांगे हैं, सब कोई स्वास्थ्य चाहता है, समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है। गड़बड़ी कहां से हो गई विचार करो। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। एक बादशाह था बेचारा, उसने अपने बीरबल से कहा कि शराब ले आओ। अब बीरबल बहुत समझदार था, उसने सोचा है कि बादशाह की बुद्धि मारी गई, हमसे शराब मंगवा रहा है, शराब लाकर दे दूं तो मैं ईमानदार नौकर नहीं हूं, चूंकि सकल सखा साधुन शास्त्री जो धीपम, अपने मालिक को जो उचित सलाह नहीं दे वो नौकर किस काम का। शराब लाकर दे दूं तो मैं ईमानदार नौकर नहीं हूं, और शराब लाकर नहीं दूं तो नौकरी मारी जाएगी, बड़ा धर्म संकट है। हिसाब किताब करके बेचारा उचरा गया शराब लाने, शराब मंडी में गया, शराब ले लिया। समझदार कुछ अधिक था, उसने सोचा कि शराब अकेली रहेगी नहीं, इसका कोई सहयोगी होता है, समझदार था। शराब तो ले लिया, मांग थी शराब की, उसने कहा कि शराब अकेली रहेगी नहीं, इसको सहयोगी चाहिए, तो मंडी बदल दिया, मांस मंडी में चला गया और एक मांस पाउंड मांस ले लिया। अब उसने कहा कि मांग एक ही थी शराब की, मैं सहयोगी भी ले लिया, मांस और शराब लेकर आगे बढ़ा। समझदार बीरबल ने सोचा कि जैसा खाओ वैसा बने, आसुरी भोजन करेगा आसुरी वृत्ति उभरेगी इसके अंदर, खाएगा मांस पिएगा शराब तो बढ़ेगी काम की मादकता, सख्स उभार होगा तो हाथ पैर पटकेगा। इसके प्रशमन के लिए कुछ ले लें हिसाब किताब, खाएगा मांस पिएगा शराब तो उसे उभरेगी तामसी वृत्ति, कामोद्दीपन होगा तभी पटकेगा हाथ पैर, हमको फिर बाजार आना पड़ेगा। कि दोनों वस्तुओं के सेवन करने से जो उपद्रव खड़ा होगा उसके प्रशमन के लिए एक अप्सरा को ले लेते हैं, जिसको आज की भाषा में बेशिया कहते हैं, वो मंडी बदल दिया, चला गया बेशिया मंडी में, एक बेशिया को साथ ले लिया। अब आगे बढ़ता जा रहा है, सोचता जा रहा है कि अध्याय पूरा हो गया, शराब मांगा था सहयोगी, मांस ले लिया एक पाउंड, दोनों के सेवन करने से उपद्रव खड़ा होगा उसके प्रशमन के लिए वेश्या ले लिया, काम तो हो गया। दस कदम आगे बढ़ता है, बीरबल ने सोचा कि फिर भूल रह गई। भर्तृहरि हरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, भोग रोग को जन्म देता है, खाएगा मांस पिएगा शराब करेगा वेश्यावृत्ति तो यौन विकृति से ही एड्स ऐसा भयानक रोग उतरता है लोगों के जीवन पर, तब इसको पकड़ेगा रोग तो हमको फिर आना पड़ेगा। अच्छा हो कि एक फिजिशियन को भी साथ में ले लेते हैं, डॉक्टरों के महल्ला में गया, एक डॉक्टर को साथ में ले लिया, उसका मन आश्वस्त हो गया कि अब तो काम बन गया, शराब है उसका सहयोगी, मांस है उपद्रव के प्रशमन के लिए वेश्या है, पकड़ेगा रोग तो डॉक्टर है। कुछ दूर आगे बढ़ा कहा कि फिर भूल रह गई। डॉक्टर जाएगा इलाज करेगा दवा लिखेगा, एक दो दवा से काम चलेगा नहीं, इसको भोगी आदमी है, इसको ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगा, हृदय रोग भी पकड़ेगा, घुटना में दर्द भी हो जाएगा, असंजम से सारे रोग पकड़ते हैं। तो डॉक्टर लिखेगा दवा तो हमको फिर आना पड़ेगा। अच्छा हो कि एक मेडिकल हॉल को भी साथ ले लेते हैं, एक मेडिकल हॉल को जाकर कहा कि सभी दवाओं से भर करके एक अटैची साथ में लेकर चलो। अब आश्वस्त होकर के बीरबल ने सोचा कि अब अध्याय पूरा हो गया, मांस है शराब है सहयोगी, मांस है उपद्रव के लिए वेश्या है,
रोग पकड़ेगा उसके लिए फिजिशियन है, डॉक्टर है, मेडिकल हॉल है, काम हो गए। अब शहर से बाहर होने पर है, समझदार अधिक था, उसने सोचा कि कुछ भूल फिर रह गई है। कहा क्या हुआ? आ कहा कहीं चिकित्सा सफल नहीं हुई तो? कोई जरूरी है कि चिकित्सा सफल हो जाएगी? आ चिकित्सा सफल नहीं हुई तो हमको फिर आना पड़ेगा, तो अच्छा होगी कफन भी ले ही लेते हैं। वो कपड़े की मंडी में गया। याद रखिएगा, करहूं विचार जे सब दुख जाई, सारे दुखों का मूल कारण कहां है? वो है हमारी चेतना की मंदता, हमारी चेतना का कुंठित हो जाना। कफन का कपड़ा भी ले लिया। जब दरबार के निकट पहुंचा है तो बीरबल ने फिर सोचा कि एक भूर फिल रह रही है। कफन तो ले लिए हैं, लाश पर कफन डाल करके डोरी कस देंगे हम, चार कंधा वो अर्थी को उठाने के लिए, अकेले से अर्थी उठेगी तो नहीं। आ इधर आपके यहाँ प्रचलन है कि नहीं? हमारे यहाँ जब सब यात्रा होती है ना, तो पीछे से सैकड़ों 200 आदमी श्री राम नाम सत्य कहने वाला चलता, इधर होता है, होता है। बीरबल ने सोचा कि चार कंधे चाहिए इस लाश को उठाने के लिए, अब पीछे से राम नाम सत्य है कहने वालों की जमात चाहिए। गांव में गया, कहा कि चलो 200-400 आदमी। कहा कि बादशाह मर गया क्या? कहा मरा नहीं है, मरने की तैयारी में है। होलसोल सबको लेकर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कहा कि बीरबल आ गया, माल तो बहुत बढ़िया लाए हो। कहा कि यही तो देश का दुर्भाग्य है ना, जिसका स्टैंडर्ड लो होता है वो न पीता है घटिया क्लास की शराब, आपका स्टैंडर्ड तो हाई है तो बढ़िया ब्रांडी ले आए हैं। हाई स्टैंडर्ड वाले के अपराध भूलें, सब हाई स्टैंडर्ड के। कहा बगल में क्या है? बीरबल कहा उसी का सहयोगी है। कहा क्या है भैया? कहा कि एक टंड मांस भी लेते तो कुर्सी छोड़ दिया। कहा बड़े समझदार हो, अब तुम्हारा प्रोग्रेस हो जाएगा। कहा बगल में खड़ी कौन है? कहा कि वेश्या लेते आए हैं। अपार आनंद मन में हो गया, बहुत धनी बहुत बुद्धिमान आदमी हो। इतने में नजर पड़ गई आला वाले के ऊपर। कहा डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर भी लाए हो? कहा तो कहा और क्या, तरुण साहब को लावे। काम ही किए हो ऐसा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुमको, रोग को तुमने निमंत्रण दिया है रे अभागा, रोग को तुमने निमंत्रण दिया है। कहा डॉक्टर साहब, अब मां शराब को देख करके, मांस को देख करके, वेश्या को देख करके जितना बैलन की तरह फूला था कि डॉक्टर के नाम सुनते ही पचक कल के बिल्कुल नॉर्मल हो गया एकदम, डॉक्टर आधा दम चला गया उसका। आ कहा ये टची वाला कहा मेडिकल हॉल है, एक दो दुआ से काम नहीं चलेगा। आ कहा बगल में क्या है बीरबल? कहा वो अंतिम पॉइंट। कहा क्या है? तो कहा कि कफन भी लेते ही आए हैं। आ कहा जमात? कहा कि राम नाम सत कौन कहेगा। अब आप विचार कीजिए, यही कबीरदेव कहते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा का है, करो विचार इस पर। तुम्हारे पास दरिद्रता क्यों आई? अभावग्रस्त जीवन क्यों जी रहे हो? सोचो इस पर। तुम समाज में सम्मानित जीवन जीना चाहिए, असम्मानित जीवन क्यों जी रहे हो? इस पर विचार करो। और तुमको शांत जीवन जीना चाहिए, आंतरिक दशा में तुम अशांत क्यों हो? ये रोग का, दरिद्रता का और असम्मान का और अशांति का मूल कारण तुम स्वयं हो। बहाना तो हम लोग कुछ कर लेते हैं, बहाना बाजी में हमारा जीवन चलता चला जा रहा है। बाबा तुलसी ने एक दिन कहा कि होई है सोई जो, बहुत सस्ती चौपाई है, सबको याद होगा है? दूसरे के भरोसे जीने में क्या दिक्कत? होई है सोई जो राम रुचि राखा। और थोड़ी देर के बाद हम कभी कभी साहित्यिक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो हमको लगता है गोस्वामी जी सुबह उठे होंगे, महाकवि तो थे ही, कुल्ला उल्ला नहीं किए होंगे, दांतन ब्रश नहीं किए होंगे, कुछ नींद की मादकता होगी चेतना पर, और उसी समय लेखनी लेकर के लिख दिए कि हो यही सोई जो राम रुचि राखा।
अब वो थोड़ा फ्रेश हुए, वो मुंह हाथ धोए तब मजमून बदल गया उनका। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, निर्णय करना कि सही वो होगा कि हो है सो ये राम रुचि राखा, कि सही ये होगा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जब 10 बजते बजते उन्होंने स्नान कर लिया, मार्गो साबुन लगाया, तेल वगैरह लगाया, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया, तब तो कबीर के चिंतन पर चले आए कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो भी आपको ब्रह्मचारी मिथिलेश ने सुनाया कि कैसे कैसे सवाल करते हो, बात बिल्कुल सरल वो सादा है, जैसी करनी करोगे दुनिया में फल मिलेगा, न कोई बाधा है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि यही चिंतन करो कि तुमको रोग क्यों है, अभाव क्यों है, असम्मानित जीवन क्यों जी रहे, अशांत जीवन क्यों जी रहे हो। बस एक इस सारे रोगों का, इस सारे प्रश्नों का एक उत्तर है, करो विचार। अब विचार करेगा वह आदमी जिसकी चेतना जग गई है। इसलिए आज एक आवश्यक अभियान होना चाहिए कि सारे भाई बहनों की चेतना जग जाए। चेतना कुंठित होने, चेतना प्रसुप्त होने के चलते बहुत सारी अवैज्ञानिक धारणाएं यहां काम कर रही हैं, सारे अवैज्ञानिक क्रियाकलाप चल रहे हैं। यहां श्राद्ध होता है कि नहीं, मरने के बाद काहे लिए करते हैं श्राद्ध? श्राद्ध काहे लिए करते हैं? श्राद्ध करते हैं काहे के लिए? यही मान्यता है कि अपने कर्म से अगर हमारा पितर नरकगामी हो रहा है तो पंडित जी को बुला करके हम श्राद्ध करवा देंगे तो अपने कर्म से नरक में जाता हुआ हमारा पितर का स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा। मृतात्मा की सदगति के लिए आप श्राद्ध करवाते हो, लेकिन जरा विचार तो करो, यहां भी विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। भगवान कृष्ण का आधार लेकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। मैं कभी नहीं कहूंगा गायत्री मंत्र का पाठ करो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसी अवैज्ञानिक बात मैं नहीं कह सकता। तुम्हारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, तुम्हारी शांति व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं कहूंगा कि जीवन में संयम से जियो तो निरोग जियोगे, साजी फिजूल खर्ची को छोड़ दो तुम्हारी आर्थिक समृद्धि होगी, न्यायपूर्वक कर्म करो सम्मान मिलेगा, और सारे विषयाध्यास को छोड़ करके आत्मस्थिति में होने का प्रयास करो, जीवन में शांति आ जाएगी। सुख आएंगे आपके श्रम से, अशांति आएगी आपकी साधना से। कोई मंत्र जाप करने से कुछ होने जाने का नहीं, किसी मंत्र को जपे हम हमारे जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। ये अवैज्ञानिक धारणा कबीर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी स्वीकार नहीं करेगा। कबीर देव ने कहा कि पंडित बाद बदेशो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। राम राम कहने से जगत गति मिल जाए तो राम एक शब्द है ना जी, वाचक है राम। अब वाच तो कोई होगा, पढ़े लिखे लोग अधिक है यहां, वाचक और वाच्य होता है, कहने वाला वाचक है या जिसके विषय में कहता है वो वाच्य है, तो राम शब्द वाचक, किसी के विषय में राम शब्द है। या दशरथ तने राम को लो या हृदय निवासी राम को लो, अधिकांश लोग दशरथ तने राम को राम मानकर चल रहे हैं, लेकिन उस राम से कबीर का राम अलग है। दशरथ सित तो ही लोग कहीं जाना, राम नाम का मरम है आना। कबीरदेव क्या कहते हैं कि जो राम के अंदर राम है, राम पैदा करने वाले दशरथ के अंदर जो राम है, राम के द्वारा पैदा किए गए लवकुश के अंदर जो राम है, पंडाल में बैठे तमाम भाई बहनों के अंदर जो राम है वो कबीर का राम है। तो राम एक शब्द है, उसका वाच्य है हृदय निवासी राम या दशरथ तमय राम। अगर राम राम कहने से मुक्ति मिल जाती है तो आग क्या है? शब्द। आग एक शब्द है ना जी, आकर गो आग। अब किसका वाचक है? दहन शक्ति युक्त एक द्रव्य है जिसको छूने से हमारा हाथ जलता है,
तो अभी एक शब्द है किसी शब्द अर्थ को बोधित करने के लिए। तो जब राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी तो आग आग कहने से ठोर जल जाएगा क्या? कबीर देव कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अगर राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, खाण खाण कहने से मुंह मीठा हो जाए, तो हमारे गुरु प्रसाद साहब को बहुत सहयोग मिल जाएगा। पंडाल में सब लोगों को कहते हैं कि भाई बहन दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी कहो, अब भूख चल जाए तो हंडा चूल्हा जलाना ही बंद हो जाए। तो दाल भात सब्जी कहने से जब पेट नहीं भरेगा, भूख नहीं जाएगी, आग आग कहने से मुंह जलेगा नहीं, पानी पानी कहने से किसी की प्यास नहीं चली जाएगी, धन धन कहने से कोई धनवान नहीं हो जाएगा, तो राम राम कहने से कोई मुक्ति कैसे प्राप्त कर लेगा। उसी तरह से किसी मंत्र का नाम ले, हम गायत्री मंत्र कहें, ओम नमः शिवाय कहें, शिव मंत्र कहें, राम मंत्र कहें, गुरु मंत्र कहें, किसी मंत्र कहने से न हमारा कल्याण हो सकता है। हाँ, एक बात है, तद जपस्त दर्थ भावनम, राम का जप करते हैं, राम की भावना करो, राम है क्या? सतनाम सतनाम कहते हैं, समझो सतनाम है क्या। जैसे हम लोग तीन शब्द लेते हैं, नाम रूप लीला धाम, तो धाम को भक्ति तीनी, धाम माने स्थिति। हम राम राम कहते हैं तो राम का नाम हमारे ओष्ठ पर हो, ये वाणी हमारी प्रभावित हो जाए राम से। और रूप, जय गुरु कहते हैं तो गुरु का नाम हमारे ओष्ठ पर हो और गुरु का रूप हमारे चित्त पर हो। और लीला, लीला माने चरित्र, गुरु की जो लीला है, उनके जो चरित्र है, आपका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो जाए, ओष्ठ पर राम नाम हो और गुरु नाम हो, अचित पर गुरु का रूप हो, उन्हीं के चरित्र के अनुकूल हमारी सारी क्रियाएं हो, तब धाम यहां स्थिति मिल जाएगी। नहीं, खाली राम राम कहने से काम चल जाए तो भात भात कहने से पेट भर जाना चाहिए, आग आग कहने से मुंह जल जाना चाहिए, पानी पानी कहने से प्यास चली जानी चाहिए। केवल बात के पकवान से पेट भरने वाला नहीं है। हम गायत्री मंत्र पढ़ दें तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, बड़ी महिमा गाई जा रही है। तुलसी ने भी कहीं कहीं कह दिया कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, ये बड़ी विडंबना है। अलोक बड़ी आस्था हो गई है। एक बार जब मैं महाविद्यालय में पढ़ा रहा था तो हमारे महाविद्यालय के बगल में एक ठाकुरबाड़ी और एकदम गंगा जी के तट पर हमारा महाविद्यालय है। एक बार भाई चांसलर हमारे यहाँ गए तो कहा कि सारे प्रदेश में, बल्कि देश में जहां तक घूमा हूं, ऐसी जगह पर महाविद्यालय नहीं है, विद्यालय के छत पर से कूदे तो गंगा जी पानी में चले जाए। गंगा जी का तट हमारे महाविद्यालय की दीवार लगता है एक ही है। अभी राम नाम की महिमा इतनी लोगों ने समझी कि तुलसी के पत्ता पर आजकल एक नया व्यवसाय चला है, तुलसी के पत्ता पर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम लिखता है लोग। अब एक आदमी को देखा कि तुलसी पत्ती तोड़ तर के श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, हमको ये क्या बात कर रहे हो? कहा कि 21,000 बार लिखना पड़ता है, हमको बड़ा करगर काम करते हो भाई। अभी राम नाम लिखने के लिए तुलसी की पत्ती पेड़ में नहीं है, सर्दी जुकाम है तो काढ़ा बनाने के लिए तुलसी की पत्ती नहीं मिलती, सब राम नाम लिखने चला गया। अब तुलसी के पत्ती में तो नहा धोकर के श्री राम जय जय राम लिखता है, लगता है बड़का काम कर लिए हम। अब उसके तुरंत बाद उसको देखते हैं उसी गंगा मैया के गर्भ में बंसी लगा देता है मछली मारने के लिए। अब राम नाम जितना इतना बड़ा कारगर काम है, इतना बलवान वो पूजा है कि मछली खा जाओ, सांप खा जाओ, दुनिया भर के कुछ हो करो, क्या होगा? राम राम कहो सब बेरा पार। ये जो गंगा मैया है, इसकी महिमा, गंगा की महिमा, नाम की महिमा, ठाम की महिमा, वेश की महिमा, ने कर्तव्य निष्ठा को समाप्त कर दिया एकदम। गंगा की महिमा इतनी गाई गई है, देख लो जाकर के क्या दुर्गति किए हुए त्रिवेणी में लोग, उसको सब यही समझ का आया कि पाप जटेगा। इन थोड़ा सा विचार तो कीजिए, कबीर के पॉइंट को याद रखिए, करो विचार। किसी ने कहा गंगा गंगे थी जो बुरी याद, जो जनांग सतेरपी,
400 कोसों की दूरी से गंगा गंगा कहो सर्व पाप प्रमुच्यते। इस पर कबीर के पॉइंट को लगाइए, करहु विचार, जहां विचार कीजिए तो गंगा का उच्चारण कहां से होता है, जो पढ़े लिखे लोगों से जानते होंगे, अकु विसर्जनिया नाम कंठ व्याकरण पढ़ने वाले, अ कबर क ख ग घ ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो ग तो कंठ वर्ण है, अनुस्वार जो है वो अनुनासिक है, तो कंठ और नासिका के सहयोग से गंगा शब्द का उच्चारण हुआ। जरा विचार कीजिए, गंगा कहने से अगर पाप कट जाएगा तो पाप यही कंठ में सटा हुआ है क्या, इस जगह अगर पाप नाक में घुसा हुआ है, गंगा शब्द का उच्चारण हुआ कंठ से और नाक से, अब पाप कहां है, पाप वही मन मध्य विकार, पाप है मन का विकार, तो गंगा कहने से कैसे छूट जाएगा। गंगा का पानी हो, गोदावरी का हो, कोसी कावेरी का हो, कहीं के पानी से नहाओ तो आपके चमड़ी को मैल के मैल को धोते हुए किसी गड्ढा में जाकर निवास कर जाएगा वो। किसी भी पानी का संबंध हमारे हमारी देह की चमड़ी से है, मन तक। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि न वारिना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा वारिना जले न परिशुद्धति। अंतरात्मा का प्रक्षालन पानी से नहीं होगा, वहां सत्य की ध्वनि पहुंचेगी, ब्रह्मचर्य की ध्वनि पहुंचेगी, सम्यक ज्ञान की ध्वनि पहुंचेगी, ध्यान की ध्वनि पहुंचेगी। ध्यान के द्वारा मन की सफाई हो सकती है, सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा। इस सब जो अंध परंपरा हम लोग पड़े हुए हैं, जो पॉइंट खाली रह गया, श्राद्ध हम करते हैं पितर की सदगति के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, दो मिनट थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए आप लोग, वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृहनाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। ठीक से ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन वासांसि जीर्णान यथा विहाय, यथा जैसे जीर्णानि वसांसि, पुराने वस्त्रों को छोड़कर भाई बहन नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर भाई बहन नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से प्रारब्ध के अंत में इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब इस शरीर को छोड़ने में, दूसरा शरीर को पकड़ने में जैन दर्शन कहता है कि 1.5 सेकेंड का भी गैप नहीं। इस शरीर को छोड़ता है और अपने कर्म संस्कार के अनुसार दूसरा शरीर पकड़ लेता है। गीता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय वांग्मय में। तो जब शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लिया, अब शरीर को आपने अग्नि को सुपुर्द कर दिया, भस्मीभूत हो गया, पानी में डाल दिया, जलचर प्राणी खा करके आत्मसात कर लिया, मिट्टी में डाल दिया तो वहां कीड़े मकोड़े खा करके सब सरपच करके मिट्टियां विलीन हो गया, तो शरीर गया पानी में आग में, और आत्मा अपने कर्म संस्कार के साथ दूसरा शरीर बनाया, श्राद्ध किसका होगा, विचार तो करो इसके ऊपर, सदगति किसकी होगी। ये विचार के बिना ये सारे के सारे अवैज्ञानिक कर्मकांड में हम फंसे हुए हैं। वास्तविक ज्ञान तिरोहित हो गया है चेतना विहीन इन कर्मकांड के दबाव में, इस सारी अवैज्ञानिक धारणाओं को समूलोच्छेद कर देने के लिए, शरीर के रोग से मुक्त होकर के निरोगी जीवन जी